आप मनोज दे और सौरभ जोशी के वीडियो देख सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। और आज सीन कुछ ऐसा है कि ये बड़े बड़े बाल हो रहे थे तो कटवा के अभी हाल ही आया हूँ, और अभी बस जस्ट नहाया है और आगे देखते हैं। इधर छोटी गुड़िया ताशो का गर्म पानी हो रहा है, तो इधर पराठा खा रही है। सातू क्या खा रहा बेटा? पराठा खा रहा, पराठा खा रहा है ना, खा लो। सातू की मम्मी सातू को नहलाने की तैयारी में, इधर देख तो सही। और फाइनली गाइस, जो 5-6 दिन से लगत बारिश हो रही थी वो भी अब थम सी गई है। और ये अच्छा ही हुआ क्योंकि गेहूं और चने की जो फसल थी वो बर्बाद हो रही थी। तो ये अच्छा हुआ क्योंकि किसान अच्छी पैदावार नहीं देगा सरकार को तो आम इंसान सरवाइव कैसे कर पाएगा। तो गाइस, ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैं तो दुआ ही कर रहा था कि बारिश थम जाना चाहिए क्योंकि समय नहीं है बारिश का। तो गाइस, ये फाइनली बहुत अच्छा हुआ। ताशु, कल वो मिस्टेक को जल्दी उठा देना, 6 बजे एग्जाम है उसकी। मत खा बेटो, सत्तू नहीं खाते उसको, काजल है बेटा, वो खाने की नहीं लगाने की है। छोड़ दो, मैं सत्तू, गाइस हमारी गुड़िया एकदम रेडी हो चुकी है नहा धोकर। सत्तू तो बाहर चले घूमने चले, ऐसा करो, चले बाहर, चलो दीदी के पास चलते हैं। कहाँ जा रहा? गाइस खाना खा लेते हैं, और खाने में मूंग की दाल और रोटी और अचार है। किको टूट गया, जाओ अब स्कूल, जाओ जल्दी से, कल एग्जाम है अपनी, जुड़ जाएगा वो तो जुड़ जाएगा। ताशु भी जाएगा ये खंडवा, जाएगा क्यों जाएगा? ताशु को नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे ताशु को। ऊपर मेहनत करनी पड़ती है जब जाके आदमी को सक्सेस मिलती है। ऐसे ही बन जाए तो फिर क्या है। उस दिन अस्पताल में क्या बोल रहा था वो लड़का? वो अस्पताल वाले भैया मिले थे, उनने देखा नहीं? मैं वीडियो बना रहा था नहीं, तो बोल रहे थे कि भैया ब्लॉग बनाते हो क्या? मैंने कि हाँ। तो उनने सब्सक्राइब कर लिया अपने चैनल को। कन्नौज में थोड़े बहुत लोग तो पहचानने लग गया यूट्यूब के माध्यम से। तो अभी गाइस दोपहर के 1 बजी है, और अभी थोड़ी देर सो लेते हैं और आपको मिलते हैं फिर 1.5 घंटे के बाद। सत्तू बाय कर लो बेटा, सत्तू बाय, सत्तू ने भी बाय कर लिया है गाइस। तो अभी गाइस फ्रिज में देख लेते हैं कुछ टाइम पास, कुछ खाने की चीज़ रखी हो तो खा लेंगे। और गाइस, मैं आपको एक अच्छी नॉलेज की बात बताता हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं यूट्यूब पर जो मेरे से ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और थोड़े बहुत दिन बनाकर चले जाते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि मैं भी 2020 से वीडियो बना रहा हूँ और अभी कोई सक्सेस मिली नहीं है। पर मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मुझे सक्सेस मिल ही जाएगी। और यूट्यूब की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं वो बताते हैं कि ये ट्रिक लगाओ वो ट्रिक लगाओ, तो किसी को ट्रिक नहीं है। अभी मुझे भी सक्सेस नहीं मिली है, कभी मुझे मालूम होती तो मैं कभी का वायरल हो जाता। और गाइस यूट्यूब पर भरोसा रखिए, आप आज नहीं तो कल वायरल हो ही जाएंगे। गाइस एग्जांपल के तौर पर आप मनोज दे और सौरभ जोशी के वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है। लोग उनको घमंडी बोलते हैं, कोई घमंडी वाली बात नहीं है गाइस, ये मेहनत है। उन्होंने उनके पास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है। वो काफ़ी सालों से वीडियो बना रहे हैं और आज ये मेहनत का फल है कि उनको इस मुकाम पर यूट्यूब ने पहुँचा दिया है। तो गाइस मेहनत करते रहिए, और मैं भी कर रहा हूँ, सक्सेस मुझे भी नहीं मिली है, मिलेगी तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। और प्लीज़ गाइस यूट्यूब पर फोकस बनाए रखें, और जो अपना करियर सेट करना चाहता है तो मैं उसी से यही बोलूँगा कि प्लीज़ गाइस प्लीज स्किप मत कीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखें। वो ताशु अपने फेवरेट चने खा रही है,
चैनल लवर्स ले चनो खान। और मिष्टी भी आ गई, और मिष्टी की मम्मी भी आ गई। गाइस ताशु को ग्राउंड पर लेके आए थे घुमाने। ताशु आजा बेटा, आजा आजा इधर आओ। एक दो अब एक दो नेस्टो मिस्टी। चलो फोटो फोटो खिंचाओ। हाँ लंच कहाँ है? लंच नहीं आज, 2 बजे अभी आ जाना, 11 बजे। मिस्टी की लाइफ की पहली एग्जाम। मिस्टो हाय कर दो इसमें। हाय मैं जा रहा हूँ स्कूल। मैं जा रहा हूँ स्कूल। क्या करने जा रहा है? एग्जाम देने। मिस्टी गाइस, मिस्टी की लाइफ का पहला एग्जाम है ये। ले मिस्टो, ओ मिस्टो ले जा, जाओ गुड लक मिस्टो, गुड लक बेटा मिस्टो, मिस्टो ए मिस्टो। बाय मिस्टो। तो अभी गाइस मिस्टी तो एग्जाम देने गई है, उसकी लाइफ की पहली एग्जाम है। हमारी मिस्टी के पास कितने सारे पैसे है ऐसा बताओ, ऐसा बताओ। कहाँ से लाया मिस्टी इतने सारे पैसे है? कहाँ से लाया? बहुत सारे पैसे है भैया हमारे मिस्टो के पास। हाँ मिस्टी तो सारे पैसे कहाँ से लाया? पंखा, पंखे से उड़ रहे बेटा वो सब। मिस्टी इतने सारे पैसे कहाँ से लाए बताओ? कहाँ से लाया? गाइस हमारे मिस्टो के पास बहुत सारे पैसे हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आया। कहाँ से लेके आया मेरा कोलू ने? दुकान से। दुकान वाले ने इतने पैसे दे दिए मिस्टू को है ना? तो अभी गाइस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। मैं मिलता हूँ आपको और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू गाइस।